नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक हमारे यूट्यूबर है उनके क्वेश्चंस। हमारे यूट्यूबर ने एक सवाल पूछा है, आ गया। हाँ, ये हमारे एस विनायक जी हैं। सबसे पहले एस विनायक जी, थैंक यू, आपने हमारे वीडियो पे कमेंट किया। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि वो एक इस तरह के जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, और ये फॉर्मूला एक ही जिस सेल पे फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उसी सेल पे रिजल्ट भी चाहते हैं, मतलब जिस सेल से वो लिंक करना चाहते हैं उसी पे रिजल्ट करना चाहते हैं। जैसे A19 पे उनका लिंक्ड है, तो विनायक जी मैं बता दूं कि जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल का रेफरेंस आप नहीं ले सकते, एक सर्कुलर रेफरेंस के अंदर में आता है, तो एक पॉसिबल नहीं है आपका। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया है कि आपके पास A1 B1 C1 तीन सेल्स है और आप किसी एक सेल में ही एंट्री करना चाहते हैं या एक सेल में कंडीशनल एंट्री करना चाहते हैं, तो इसके लिए होगा डेटा वैलिडेशन का यूज होंगे। लेकिन डेटा वैलिडेशन से पहले आपको एक अलग सेल के अंदर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स और। देखिए क्या है कि एंड और फॉर्मूला है कि एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन एक्स और फॉर्मूला पे भी एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन वो किसी एक ही कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स और A3 इज ग्रेटर देन 0, B3 इज ग्रेटर देन 0, C3 ग्रेटर देन 0। अभी क्या हुआ कि इसमें से किसी कोई एक कंडीशन ही फॉलो होगा, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया तो रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा है। अगर हमने किसी और सेल पे देने की कोशिश की, मतलब उसको दो ट्रू मिल गया, इसका मतलब है वो फॉल्स शो करेगा। इसको एक ही ट्रू मिलना चाहिए, दो नहीं। तो इसी चीज का फायदा, प्रॉब्लम है क्या है कि इसको डायरेक्ट हम नहीं रख सकते डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में एक्स एंड और ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम सेल्स कर्सर को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहां पे इक्वल करेंगे इक्वल D3 इज इक्वल टू ट्रू और हम D3 में D को फ्रीज कर देते हैं एंड ओके। अब इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल, इसमें करते हैं पेस्ट वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एंट्री करने जाऊँ यहाँ एंट्री करूँ नहीं करें, मान लीजिए इसको मैंने डिलीट कर दिया और फिर मैं यहां पे एंट्री करूं तो एंट्री ले रहा है, फिर यहां एंट्री नहीं लेगा या यहां एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आपको यहां पे फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी करके डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन में डालने की कोशिश की, मान लीजिए यहां डालने की कोशिश की एंड इक्वल टू मैंने कर दिया ट्रू, तो यहां पे एंट्री एक्सेप्ट ले रहा है, मतलब कि एक्स और एन और फॉर्मूला डेटा वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। होप कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या स्काइप कर सकते हैं, सारा स्क्रीन पे दिया हुआ है। और हम लोग डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एक दो क्लास एज ए डेमो लेना चाहिए। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके आप डेमो क्लास ज्वाइन करें, दो तीन दिन की क्लास ले, अगर ठीक लगा तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर हमारी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो भी आप iptindia.com पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर हो जाएगी, डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगी और इसकी डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो सारी चीज मेरी वेबसाइट iptindia.com में अवेलेबल है। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा।